आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मुझे लगता है सारे ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज है। अगर आप 24 तारीख तक अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट खुलवाते हो तो अगले 30 दिनों तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर सकते हो, आपको जीरो ब्रोकरेज पे करनी है। 24 तारीख तक एक्टिवेट करवाने की जरूरत नहीं है, 24 तारीख तक आपको सिर्फ अपना फॉर्म सबमिट करना है तो ये आपको ऑफर मिल जाएगा। और हाँ, अकाउंट ओपनिंग फीस आपको 300 रुपए की देनी जरूर पड़ेगी, बट उसके बदले आपको 30 दिन तक ब्रोकरेज पे नहीं करनी है। तो इस ऑफर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको यूज करके ये ऑफर अवेल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि लेबर लॉ एडवाइजर आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बनाता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं बिना किसी एडिशनल खर्चे के, तो आप बस उस लिंक को यूज करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अभी फिलहाल समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मेरे पास खूब सारे कॉल्स आते हैं कुछ लोगों के जो मुझे बोलते हैं कि सर, आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेड क्यों नहीं करते, मैं आपको हेल्प करूंगा और आप इजीली हर दिन 4 से 5 हज़ार तो आराम से कमा लोगे, इसमें सर आपको डरने वरने की कोई चिंता नहीं है, मैं आपको अगर बोलूंगा ना कि खरीद लो तो आप खरीद लेना, मैं आपको बोलूंगा आप बेच दो तो आप बेच देना, और आप देखना सर हर रोज दोपहर में आपके पास 4 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्या मैंने उनकी बात मानी और क्या मैं रोज के 5 हज़ार रुपये कमाता हूँ, जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम मंदीप है और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं क्योंकि वहां हम इन कॉम्प्लेक्स वीडियोस के शॉर्ट नोट्स डालते हैं जिनको आप सेव कर सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग की। जब हम स्टॉक मार्केट के ड्यूरेशन में ही कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसी के उसी दिन उसको बेच देते हैं और बीच में से मुनाफा कमा लेते हैं, ये काम कैसे करता है, इसमें कितना पैसा लोग बना लेते हैं और क्या ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है या बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है या बेकार ऑप्शन है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, ये इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी आपने स्टॉक मार्केट के ड्यूरेशन में कोई शेयर खरीदा, सेम डे आप उसको बेच भी देते हो तो उसको बोला जाता है ट्रेडिंग। और इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, ना कि एक डीमैट अकाउंट। जी हाँ, डीमैट अकाउंट का काम होता है आपके अकाउंट में शेयर्स को होल्ड करके रखना काफी दिनों, महीनों या सालों तक, बट ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। और यूजुअली सारे ब्रोकर्स में ये दोनों अकाउंट एक साथ खुल जाते हैं। तो जब भी आप अपने अकाउंट को यूज करके इंट्राडे के लिए कोई शेयर खरीदते हो तो वो आपकी होल्डिंग्स में नहीं, वो आपकी पोजीशंस में रिफ्लेक्ट होता है। होल्डिंग्स में सिर्फ वही जाता है जो आप एक दिन से ज्यादा होल्ड कर लेते हो। अब स्कोप की बात कर लेते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो 1% 2% को भी बहुत बड़ा प्रॉफिट कंसिडर करते हैं, और उनका यूजुअली पूरे दिन में फोकस सिर्फ यही रहता है कि कैसे ना कैसे करके हम इस स्टॉक पे 1% या 2% कमा लें। तो 9 से 3 बजे के बीच में अगर आपने उनको डिस्टर्ब भी कर दिया ना, तो शायद पलट के चांटा मार देगा वो, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होता है कि कैसे वो 6 घंटों में 1% या 2% का प्रॉफिट कमा लें। एग्जांपल से समझाऊं तो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा 10 की क्वांटिटी में, यानी आपने 1000 रुपए लगाए, वो 100 रुपए का शेयर बढ़ के अगर हो गया 102 रुपए का, तो आप वो 10 के 10 शेयर बेच दोगे और आपके पास 1020 रुपए आ जाएंगे। तो मतलब आपने लगाए थे 1000 रुपए, कमा लिए 1020 रुपए, तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 20 रुपए, विच इज 2%। प्रॉब्लम यह है कि किसी ट्रेडर के पास अगर एक फिक्स्ड अमाउंट है जिससे वो ट्रेड कर सकता है, फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए ही है, तो 1000 रुपए पे 2% तो 20 रुपए ही होता है, जो कि मेरे लिए इतना लुक्रेटिव नहीं है। वहां एंट्री लेता है ब्रोकर। ब्रोकर आपको बोलेगा कि आपके पास 1000 रुपए हैं, आप 9000 मुझसे पकड़ो और आप 10000 रुपए के शेयर्स खरीद लो। तो ये जो 9000 रुपए जो मुझे ब्रोकर ने दिए जिसके थ्रू मैं शेयर्स खरीद रहा हूं, इसको बोला जाता है लेवरेज या फिर मार्जिन। तो अब वही 100 रुपए का शेयर आप 10 नहीं आप 100 शेयर्स खरीद पाओगे। तो आपने 100 शेयर्स खरीदे, 100 की क्वांटिटी, आपने 10000 रुपए के शेयर्स अभी खरीद लिए हैं, और दोपहर से पहले पहले लेट से वो शेयर हो चुका है 102 रुपए का, तो आपने उन सारे शेयर्स को बेचकर 10200 रुपए कमा लिए। अभी इसमें से 9000 रुपए की थी उधारी जो आपको चुकानी है ब्रोकर को, तो 9000 रुपए आप उड़ा दो, बच गए 1200 रुपए। 1200 रुपए में से 1000 रुपए जो आपने लगाए थे और 200 रुपए का जो प्रॉफिट आपने उन 1000 रुपए पे कमा लिया, यहां पर आपका प्रॉफिट हो गया है 20%। जबकि आप अगर ध्यान दोगे तो शेयर का प्राइस 100 से 102 हुआ, यानी वो 2% बढ़ा, पर आपने अपने पैसे पर 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि ब्रोकर ने आपको एक लेवरेज दे दिया था 9000 रुपए का। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए तो बहुत बुरा भी हो जाता है। सेम एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए का शेयर, 100 की क्वांटिटी,
आपने लगाए 10,000 रुपए जिसमें से 9,000 रुपए का लेवरेज था ब्रोकर के थ्रू। अब वो शेयर बढ़ने की बजाय हो जाता है घट, यानी अब उसका नया प्राइस हो चुका है 100 से घटकर 90 रुपए। तो डे एंड पे आपको ब्रोकर बोलेगा कि भैया मुझे मेरा 9,000 रुपया वापस चाहिए और आपके जो ये शेयर्स हैं ये सारे के सारे अभी बिक रहे हैं 90 के भाव पर। तो आपने खरीदते समय लगाए थे 10,000 रुपए पर बेचते समय आपके पास आ रहे हैं 9,000 रुपए और 9 के 9,000 रुपए आपको उधारी चुकानी है ब्रोकर की, यानी लेवरेज वापस करना है। मतलब आपके हाथ में बचा 0, आपने लगाए थे खुद के पैसे 1,000 रुपए और लास्ट में आपके हाथ में बच रहा है 0, यानी आप यहां पर 20-20% का प्रॉफिट तो कमा सकते हैं बट आप यहां पे 100% का लॉस भी कमा सकते हैं। यहां पर एक सेवियर जरूर आ जाता है। मोस्ट ट्रेडर्स यूज करते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? शेयर खरीदते समय या इवन खरीदने के बाद आप एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे कि अगर ये शेयर 100 रुपए पे है तो और आप नहीं चाहते कि ये ज्यादा नीचे गिरे और आपका जो 1,000 रुपए का खुद का पैसा है वो 0 बन जाए, तो आप क्या करोगे, 100 रुपए के शेयर पर 98 या लेट से 95 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। मतलब यह हुआ कि शेयर का प्राइस अगर ऊपर की बजाय नीचे जाने लग रहा है और जैसे ही वो 95 तक चला जाएगा आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे। तो अगर आपने स्टॉप लॉस रखा 95 का, तो जैसे ही शेयर प्राइस आएगा 95 तो आपके शेयर्स बिक जाएंगे 9,500 रुपए में, क्योंकि आपने 10 शेयर ले रखे थे। और 9,500 जो आपके पास आएंगे उसमें से आप लेवरेज वापस कर दोगे 9,000 रुपए की और आपके पास बच जाएंगे 500 रुपए। तो आपने शुरू किया था 1,000 रुपए से और आपके पास अभी बचे हैं 500। वहीं पुराने वाले एग्जांपल में अगर स्टॉप लॉस के बिना खेलते तो पूरे 1,000 रुपए गायब होने की भी संभावना थी। फिर भी इसमें 50% लॉस तो आपको उठाना ही पड़ा और कभी कभी तो स्टॉप लॉस भी आपको बचा नहीं सकता, और ऐसा होना हाईली अनलाइकली है बट इम्पॉसिबल नहीं। कई बार क्या होता है कि वो प्राइस 98 पर ना जाकर सीधा 95 या 90 तक चला जाता है क्योंकि बहुत ही बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ और सडन प्राइस ड्रॉप होता है, बट ऐसा होना हाईली अनलाइकली होता है। अब होता यह है कि ब्रोकर का जो मेजॉरिटी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो इंट्राडे ट्रेडर्स से ही आता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होती है। तो अगर आपको स्टॉक ब्रोकर से 9,000 रुपए का लेवरेज भी मिल रहा है तो आपको 9,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए बाई एंड सेल बोथ साइड ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। तो इस केस में ब्रोकर जो है वो ज्यादा कमा लेता है थ्रू ब्रोकरेज। और अगर आपको ये पता लगाना है कि कौन से स्टॉक खरीदने पर कितनी ज्यादा लेवरेज मिल सकती है या कितना ज्यादा मार्जिन मिल सकता है, तो मैं आपको दो कैलकुलेटर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जीरोधा और अपस्टॉक्स। जीरोधा पे भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अगर आपके पास लेट से 1,000 रुपए हैं लगाने को तो आपको उसका 5 गुना 10 गुना या फिर 11 गुना का लेवरेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और अपस्टॉक्स में भी आप सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि ये लेवरेज आती कहां से है, क्या ये सचमुच की एक उधारी होती है। ये फंडामेंटली देखा जाए तो ट्रेडर के लिए ये उधारी ही होती है क्योंकि उसको दोपहर तक चुकानी पड़ती है, बट ये टेक्निकली उधारी नहीं होता है। अगर किसी ट्रेडर ने अभी लेट से 10,000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए हैं तो जिस भी सेलर से वो खरीदे हैं उस सेलर के पास इंस्टेंटली वो पैसा नहीं जाता है, वो पैसा जाने में लगते हैं 2 दिन। तो अगर किसी ब्रोकर के पास 2 दिन का टाइम है सेलर को उसका पैसा देने के लिए, तो उन 2 दिन से पहले पहले वो सारे पैसों की लेवरेज वो दे देगा एक ट्रेडर को, जिसको यूज करके वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है। और क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में दोपहर तक शेयर बेचना जरूरी है तो 2 दिन से पहले पहले वो लेवरेज का पैसा ब्रोकर के पास वापस चला जाएगा और ब्रोकर इजिली उस सेलर को रिटर्न कर देगा। तो अब वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, आई एम श्योर आपने सुनी होगी, जिसका काम उसी को, अब मैं वो वर्ड लास्ट का वर्ड भूल गया हूँ बट आप समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और मुझे वर्ड बताकर बता भी देना कि मैं कौन सी कहावत बोल रहा हूँ। तो जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो काम वो इंसान करेगा तो समझ आता है, बट अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इनफैक्ट अगर आपको स्टॉक मार्केट की ही ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जब कभी आपको कोई फ़ोन करे ना कि आप हर रोज़ का 5,000 या 6,000 कमा सकते हो, तो उसको हाथ जोड़ के रिजेक्ट कर देना, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को भारी भारी लॉस हो चुके हैं। और अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर से बैठकर बात करोगे और उससे पूछोगे कि भैया बताओ आप कैसे कमा पा रहे हो रोज के 20,000 या 50,000 रुपए, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि भैया हम कमा तो ज़रूर पा रहे हैं बट 365 दिन में से ऐसे खूब दिन गए हैं जब हमने इतना इतना लाखों रुपए का लॉस भी झेला है। जैसे आपका और मेरा एक फुल टाइम जॉब है, वैसे ही किसी इंट्राडे ट्रेडर का ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब होती है। वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बहुत बिजी रहता है, बहुत दिमाग लगाकर प्रॉफिट जनरेट करने की पूरी कोशिश करता है, बट इवन देन वो कभी भी ये नहीं बोल सकता कि वो हर रोज प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। तो ये काइंड ऑफ अ गैम्बल है और आपको इससे दूर रहना चाहिए अगर आप ये गेम नहीं समझते हैं। तो उल्टा मैं आपको फिर से फोकस करूंगा कि आपको इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कुछ दिनों पहले एक वीडियो में, 3,000 रुपए की अगर आप मंथली SIP करोगे और 35 सालों तक करते रहोगे 15% के रेट ऑफ रिटर्न से, आप 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा बना लोगे। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये तभी काम करेगा जब आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे। और जब बात आती है लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना,
तो चीज़ें थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मुझे देखना है कि एक कंपनी आज की डेट में कितनी स्ट्रांग है, क्या वो मार्केट लीडर है। अगर मार्केट लीडर है और कंपनी स्ट्रांग है तो मैं उस कंपनी में कॉन्फिडेंटली अपना पैसा लगा सकता हूँ, ये मान के कि ये कंपनी इस पॉइंट से तो आगे ही जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर में वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट बैंक्स है। तो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपको इनके शेयर्स खरीदने चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो चीज़ें थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और वहाँ आप कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हो कि आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। तो अगर अभी तक आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आप अपस्टॉक्स के साथ खुलवा सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने पिछले कुछ वीडियो में ज़ीरोधा ज़रूर बोला था आपको, मैं अभी भी ज़ीरोधा बोल सकता हूँ, दोनों बराबर हैं। इनफैक्ट मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ और मेरे परिवार वाले अपस्टॉक्स भी यूज़ करते हैं। मैं आपको अपस्टॉक्स इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऑफर चलता है। एक ऑफर तो अभी जीरो ब्रोकरेज वाला चल रहा है, वो दो दिन बाद जब खत्म हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर मनी कंट्रोल वाला ऑफर वापस आ जाएगा, जहां पे ₹300 में आपको मनी कंट्रोल का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है अपस्टॉक्स के अकाउंट के साथ। तो जो भी लेटेस्ट ऑफर चल रहा होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हो सकता है ये वाला ऑफर भी बाद में बंद हो जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो कौन सा ऑफर चल रहा है और आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और अगर आप लेबर लॉ एडवाइजर को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाकर हमें सपोर्ट कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए। और एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप उस लिंक को यूज करके डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ये आइडिया कल ही आया था मेरे पास कि क्यों ना ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाई जाए जो इन्वेस्टिंग एंथुजियास्ट हैं, तो हम सब लोग मिलके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं उस ग्रुप में। तो अगर उस ग्रुप का पार्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनना चाहते हैं तो बस डीमैट अकाउंट उस लिंक से खुलवाकर हमें ईमेल कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी इंट्राडे ट्रेडिंग की, किसके लिए बढ़िया है किसके लिए नहीं बढ़िया है, आई होप आप समझ चुके हैं। मेरा नाम है मनदीप और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम।